जैनाचार्य संत कुमार नंदीश जी की निर्मम हत्या के विरोध में 20 जुलाई को खनियांदाना में बाजार को बंद रखा गया। इस दौरान ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने सहित जैन मुनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज और 1884 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज एवं सनातन समाज खनियांदाना द्वारा प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के बेलगांव जिले में चिकोड़ी तालुक में नंदी पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर जैन समाज के संत कुमार जी की 5 जुलाई को आरोपी हसन दलायत और नारायण मौलाना की निर्मम हत्या कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया था, जिसके चलते पूरे भारत देश में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तहसील पर ज्ञापन कर्नाटक के बेलगांव में जैन मुनि जी की जो नृशंस हत्या की गई उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण खनियांदाना के अंदर बामौर क्षेत्र में एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से, जिससे राष्ट्रपति जी को भी पहुँचे, प्रधानमंत्री जी को भी पहुँचे और कर्नाटक सरकार को भी पहुँचे, जिस पर उचित से उचित ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी में एक न्याय व्यवस्था कायम हो सके। आज खनियांदाना नगर में बाजार बंद का भी आह्वान किया था, बाजार बंद खनियांदाना में ही नहीं अधिकांश भारत देश के अंदर बाजार कि कर्नाटक के बेलगांव के पास एक चिकोड़ी गांव है, वहां पे एक जैन संत काफी समय से धर्म आराधना कर रहे थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बहुत से कार्य कराए, गरीबों को शिक्षा दी, अन्यथा आदि बहुत सारे कार्य कराए, परंतु कुछ आदताइयों के माध्यम से 5 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के साथ उनके बेरहमी से शरीर के उनके बहुत सारे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए। यह पूरे देश की समाजों के लिए, मात्र जैनों के लिए नहीं, क्योंकि संत जो होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, वो किसी संप्रदाय और जाति के नहीं होते, परंतु जो ऐसे ये कृत्य हुआ है इसलिए आज सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है जैन समाज के साथ कि 20 तारीख को संपूर्ण भारत में अपितु खनियांदाना में भी पूरे दिन हम बाजार बंद कर इस बात को आंदोलित करेंगे कि इस तरीके की जो कार्यवाही है वो भविष्य में हो ना हो और जो आतताइयों के माध्यम से इस तरीके का कार्य किया गया है वह कार्य की सजा उन्हें अवश्य मिले, इसलिए हमने बाजार बंद किया है। नया दो ज्ञापन आए, एक समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज की द्वारा दिया, दूसरा दिया है 1884 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज। ये दो ज्ञापन दिए हमको इकट्ठे और वो इस संबंध में दिए कि जैन मुनि आचार्य जो है राम कुमार नंदी जी महाराज, उनका निर्मम हत्या हुई थी, उसके संबंध में उन्होंने बाजार बंद रखा था आज और अभी बाजार बंद है काफ़ी मात्रा में और इस बाजार बंद करने की सूचना उन्होंने हमीरपुर में भी दी थी, तो हमने उसके लिए देखा और उसकी सूचना हमने बेस्ट को भी भेजी थी। इनके मांग है कि जो उनकी निर्मम हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो और इस तरीके से जो संतों की हत्या हो रही है वो रोका जाए और जो करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये समाज वैसे भी अहिंसक माना जाता है और फिर भी इस समाज के साथ ऐसा अन्याय होगा तो अन्याय तो जायज है, तो ये गलत हुआ है तो उसका कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को ये ज्ञापन कॉपी भेजेंगे और SDM साहब को भी सूचना कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं और इसमें इन्होंने कॉपियाँ दी रक्षा मंत्रालय कर्नाटक सरकार के लिए भी, गृह मंत्री के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी, सबके लिए इन्होंने कॉपियाँ दी हैं, तो इसकी हम कॉपी SDM साहब की ओर भेजेंगे, वो सब जगह सर्कुलेट करेंगे और सभी समाज सभी प्रशासनिक उसको सूचना करेंगे।